पवन सिंह का गाना चलना हुआ बंद। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार, आज इसी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, पवन सिंह का गाना पियर फराक वाली ये गाना पूरी दुनिया में तीसरा नंबर पे है और पूरे इंडिया में दूसरा नंबर पे आ चुका है। और पिछले सप्ताह पवन सिंह का ये गाना पहला नंबर पे था। और बहुत लोगों का कहना है कि कल यामिनी सिंह ने पियर फराक वाली गाने पे डांस किया, रील्स बनाया, इसी वजह से गाना दो नंबर पे आ गया है पूरे इंडिया में, और यामिनी सिंह पनौती निकली। तो दोस्तों, आप सभी को बताना चाहता हूँ, सिर्फ लोग मजा ले रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी का लापरवाही का नतीजा है। और इसी वजह से पवन सिंह का गाना पियर फराक वाली दो नंबर पे आ चुका है पूरे इंडिया में। पवन सिंह के इस गाने को लगभग 50-60 से ऊपर चैनल पे अपलोड किया गया है। एक और चीज आप सभी को दिखाने वाला हूँ, जो कि आप लोग देखकर पूरी तरह से चौंक जाएंगे। माँ गंगे फिल्म्स नाम से एक यूट्यूब चैनल है, जो कि पवन सिंह का गाना पियर फराक वाली को 20 बार अपलोड किया गया है उसी गाने को, और सभी गाने पे 2 मिलियन, 1 मिलियन, 3 मिलियन, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख ऐसे कर कर के व्यूज मिला है। और ये सब जो गाना अपलोड है, बाद में ये सब 2-3 महीने के बाद डिलीट भी कर देगा। और इसका जो असर है पड़ रहा है मेन चैनल पे MMB रिकॉर्ड पे और MMB रिकॉर्ड भोजपुरी पे, क्योंकि दोनों चैनल पे अच्छा खासा व्यूज नहीं जा रहा है। नहीं तो पहले 6-7 मिलियन पर डे व्यूज मिलता था दोनों चैनल पे, और अब मेन चैनल का गाने का व्यूज पूरी तरह से रुक चुका है, पर डे 1-2 मिलियन व्यूज जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे चैनल पे गाना अपलोड है और व्यूज बट जा रहा है। अगर ये गाना सिर्फ 2-3 चैनल पे अपलोड रहता तो मात्र 2 महीने में ये गाना 400 मिलियन से ऊपर व्यूज क्रॉस कर गया होता, क्योंकि पवन सिंह का गाना पियर फराक वाली गाने को पर डे 7 मिलियन व्यूज मिल रहा है। अगर 60 का गुणा किया जाए तो 420 मिलियन हो रहा है 2 महीने में। हाँ, एक बात और आप सभी को बताना चाहता हूँ, माँ गंगे फिल्म के यूट्यूब चैनल पे आप लोग जरूर देखिएगा इस गाने को कितना बार अपलोड किया गया है, और इसके बारे में आप सभी का क्या कहना है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारे इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो पसंद है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।